मुर्दाबाद 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 जेडी बजरिया मुर्दाबाद 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 जेडी बजरिया मुर्दाबाद 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 यहां पे आज और दिन साथ में सभी लोग अच्छे अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं और भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं आने वाले भी आ रहे हैं वाले भी आ रहे हैं आ रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं हमारी स्ट्राइक के अंदर हमारे साथ में सभी लोग आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं जितने भी फैन हैं सब व्हाट्सएप पर डालो आवाज़ है मुर्दाबाद की हर की लड़ाई की आवाज़ है मैंने आप लोगों को इसलिए आगे बुलाया ये बोला जा रहा है कि ये जो है इनको पहाड़े पे बुलाया है। आप बताओ मेरे जो पर डे पे काम करने वाले हमको कन्विंस तक तो हम दे नहीं रहे, सब अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और वो प्रोड्यूसर वहां बैठे बैठे मीडिया में और यहां वहां भाषणबाजी कर रहे हैं कि ये भाड़े के लोग आए हैं। तो हम भाड़े के हैं क्या? हम भाड़े के हैं क्या? तो चोर कौन है? तो जूता कौन है? तो चोर कौन है? तो जूता कौन है? चैनल को कौन भड़का रहा है? चैनल को कौन झूठ बोल रहा है? मीडिया में कौन झूठ बोल रहा है? सबको कौन झूठ बोल रहा है? आज ये भी बातें सामने आती हैं कि भाई फेडरेशन में ये यूनियन नहीं है, फेडरेशन में वो यूनियन नहीं है। अगर 100 की यूनिट है तो 40 आदमी काम कर रहे हैं, जिनको धमका के डरा के काम किया जा रहा है, जिनको बोला जा रहा है जिनको नौकरी से निकाल देंगे। अभी तक मेरे पास 12 लोग आ चुके हैं कि हमको नौकरियों से निकाल दिया। हम पुलिस प्रशासन को भी यही कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमको अपने मेंबरों से बात करने दिया जाए, बट हमें अंदर छोड़ा नहीं जाता। ये प्रोड्यूसर ने इतना प्रेशर दे के रखा है कि इनको छोड़ेंगे तो हमारी शूटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके लोग इनके साथ चले जाएंगे। मुस्लिम लोग हैं जिनको डर है कि अगर हमारा सैलाब अंदर जाएगा तो हमारे वर्कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इनकी शूटिंग नहीं होगी। हमारा हक जो है हम कोई नहीं डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसी तरह स्ट्राइक हुई थी, शाम के शाम वो बैठे थे और उन्होंने लिख के दिया था वही डिमांड हमारी है, हमने कोई नई डिमांड नहीं दी। और साजिद नरेद वाला जो चेयरमैन थे IFTPC के, उन्होंने ये तक मैसेज दिया कि ये सारी चीजें मेरे सामने हाँ हुई थी, लेकिन फिर ये टीवी वाले क्यों नहीं दे रहे वर्करों को, ये इतनी बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये टीवी वालों का है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हमारे ही लोगों को बाहर गेट पे खड़ा किया जा रहा है कि जाओ सबको अंदर लेकर आओ, और हमारे बीच में के लोग वहां खड़े हैं और लेकर आ रही है घर पे आराम से बैठे हुए हैं। ये हमारे में फूट गिरा रहे हैं, हमारे में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं और हमारे ही लोग प्रेशर दे दे के तुम नहीं आओगे तो नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। आज यहाँ लाइट इक्विपमेंट वाले सारे लोग आए हुए हैं, जितनी टीवी इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में लाइटें चलती हैं उनकी पूरी एसोसिएशन आई है आप लोगों के बीच में आई है। पिक्चरों की शूटिंग चलती है उनमें जितनी लाइटें लगी हुई है वो इन सब लोगों की है। और कल फैसला लिया रात को कि भाई जो हमने देखा यहां जो सैलाब है
हमारा दिल कांप उठा है, हम आपके फेडरेशन के स्ट्राइक में साथ में आना चाहते हैं। और उनके डायलॉग टूर्नामेंट की तरफ से हम ये दावा करते हैं कि हम तय जिंदगी आपके एहसान में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। हम सब आपके साथ हैं। उनको अगर जिंदगी में पुलिस ने सताया, हम साथ में आएंगे। किसी दिन ऐसा भी मौका आएगा कि इनके लिए फिर चला गया कि शूटिंग नहीं होगी, हमारी लाइटें ऑन नहीं होगी, हमारे लाइफ में नहीं आएंगे। और भी बाकी आ रहे पीछे से। हम लोग सब लोग तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो ये आए हैं हमारे साथ। हमारे साथ सलीम भाई कहा गए, जनेटिवन वाले, जनेटर वाले वो भी जुड़े हैं। सलीम भाई आइए, सलीम भाई को आने के लिए रास्ता दो। घूम रही है भाई, यहाँ पे दो दिन से इनके साथ खड़ा हूँ। बाकी जो जो कल हमारे एडिटर एसोसिएशन के कुछ लोगों को पुलिस ने उठा के लेके गए थे कि लक्ष्मी में कुछ लोगों को हमारे बंदे से थोड़ा बाचा बाची हो गई थी, उधर कल हम लोग पूरा एडिटर निकला था, वो कांग्रेस के राज में निकला था और वही प्रोसेस ने वही जीआर आगे कंटिन्यू किया हुआ है। और मेरे आगे जाके सीएम देवेंद्र जी से, नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट होने वाली है, जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हम लोग सुनीता जी, कि ये जो जीआर 12 घंटे का जो पास किया है वो हटाया जाए। और लोगों को जो सरकार का जेआर है 8 घंटा ड्यूटी, वो जेआर के ऊपर हमें हमारा हक चाहिए और इसके लिए मैं फेडरेशन के साथ हूँ। लक्ष्मी शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, मजदूर एकता यूनियन, दिलीप भाई, राजा भाई, आगे उधर आ जाओ, राजा भाई, इजाज भाई आइए, आइए ऊपर आओ ना, आगे ऊपर आ जाओ, खाए दिलीप जी आइए, बीएम जी, यूनियन है फिल्म लाइन के अंदर भी बाकी भी हर बाजू से हमारे को पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे मुंह से सुनने खर्चे उनसे सुनेंगे, बात करिए राजा साहब, दो शब्द बोलिए। या ठिकाणी धडक कामगार युनियनचा या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा या ठिकाणी जाहीर करतो। या ठिकाणी उद्या पर्यंत जर आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर मुंबई शहरातल्या आणि आसपासच्या ठाणा नवी मुंबईचे सगळे थिएटर आपण बंद करू। आसपास कार्निवल असेल, सिनेमॅक्स असेल, पीव्हीआर असेल, या सगळ्या थिएटर्सला उद्यापासून आपण इशारे देऊ की आपले जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत त्या ठिकाणी आपण सिनेमा चालवायला देणार नाही। धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून असलेले 4-4.5 लाख कामगार वेगळ्या वेगळ्या प्रभागामध्ये वेगळ्या वेगळ्या विभागामध्ये काम करत आहेत। या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना पाठिंबा देतोय आणि तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी मोठ्या ताकदीने आपण सगळे कामाला लागा। और जो आपने आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि प्रोड्यूसर तक हमारी मांगे जल्द से जल्द पहुंचे और वो इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लें। थैंक यू मैम। सारी कोशिशें चालू है, बस सिर्फ आपका साथ चाहिए। जिस तरह आज है उस तरह कल भी चाहिए।